अगर कोई बात को जवाब देना चाहें सरत बीबी का तो जरूर दीजिए, क्योंकि फिर मैं जरा अली साहब से भी गुफ्तगू कर लूं थोड़ी। शुक्रिया मुबशिर, बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं लेकिन बातों की हद तक। अभी जो 4.6 बिलियन पाकिस्तानी रुपए नैब ने ये झूठे केस बनाए थे और उसके अंदर वो हार गया, उसका जो है कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई एहतसाब होगा? ये जो शहजाद अकबर की आनियां जानियां हैं, इनके सफर के खराजात हैं, रिकवरी जीरो है, क्या इसकी भी कोई एहतसाब होगा? फिर ये बात तो मैं भी सुन रही थी कि हमने तो देखा है कि जब कोई सेन वॉइस निकली है अदलिया से भी जिन्होंने कहा हम पर दबाव था, तो फिर उनके खिलाफ रेफरेंसेस आ जाते हैं कोई ऐसा फैसला आ जाए तो। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसको करेक्शन की जरूरत है। देखिए इमरान खान अहमद त्यागी साहब जो है, जिस दिन उनका फॉरन फंडिंग केस, लेकिन सर बीबी एक मिनट, सिस्टम को करेक्शन की जरूरत है तो आप लोग तो ज्यादा दफा आ चुके हैं हुकूमत में, आप लोगों ने करेक्शन उस वक्त क्यों नहीं की? अब करेक्शन क्यों याद आ रही है आपको? देखिए बिल्कुल मुबशिर, मैं बात कर रही हूँ। देखिए अगर आपने देखना है कि करप्शन कहाँ पे हुई है और करप्शन की जड़ कहाँ है, तो इमरान खान अहमद न्याजी के फॉरन फंडिंग केस का फैसला आने दें। वो फैसला आ गया तो पता लग जाएगा कि करप्शन की जड़ें कहाँ पर है, और ये भी पता लग जाएगा कि ना तजर्बेकारी के आड़ में कौन सा करप्शन का कारोबार चल रहा है। यानी वो एनओसी जो उन्होंने झूठा दिया बनी गाला का और सादिक अमीन का सर्टिफिकेट ले लिया, आप मैं बोलूं कि वो सादिक अमीन का सर्टिफिकेट मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ और बात करूं सहर बीबी, मुझे वो समझाए ना थोड़ा सा कि जिस तरीके से बनता तो बात अली साहब से है, अली साहब को इस पर रिस्पांस देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को भी, आप लोग भी किसी हद तक आपके अगेंस्ट जो स्टैंस लिया गया था हुकूमत की तरफ से, लेट मी पुट इट दिस वे, आपके जो केसेस थे वो जो नैब के जो केसेस थे वो जो वफाक में ट्रांसफर कर दिए गए थे, वो मैंने पहले बता दिया था कि वो आप लोगों को सिंध वापस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, तो वो आपको तो एक तरह से रिलीफ मिल गया ना पीपल्स पार्टी को, सो वो तो मिला आपको रिलीफ। लेकिन इस वक्त एवन फील्ड का मैं पूछना चाह रहा हूँ, हाउ शुड वी टेक देम? देखिए मैं बिल्कुल वही बात कर रही हूँ कि मैं कैसे बात ना करूँ करप्शन की। देखिए करप्शन का जो हमारा एहतसाब का जो प्रोसेस है वो उस दिन कॉम्प्रोमाइज हो गया था जिस दिन नैब के चेयरमैन का वीडियो स्कैंडल आया था, उसकी तहकीकात हो जाती शफाफ तो फिर शायद आज इतना कॉम्प्रोमाइज जो है वो सिस्टम ना होता एहतसाब का। देखिए ये जो एहतसाब के नाम पर जो स्कैंडल्स क्रिएट किए गए, पीपल्स पार्टी बिल्कुल चाहती थी कि ये जो काला कानून है नैब का इसके अंदर तरमीम की जाए, क्योंकि इसका मकसद ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग था। लेकिन उस वक्त जो है हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी और बाकी जमातें इस बात के लिए एग्री नहीं किया जो आज एग्री कर रही है। देखिये बात यह है कि इस वक्त जो सिस्टम है वो एग्री नहीं किया था ना जी, नून लीग ने एग्री नहीं किया था ना आपसे, नून लीग ने एग्री नहीं किया था, और आज जो है शायद ये कल को पीटीआई को भी जवाब देना होगा। ये जो आज जिस तरीके का इन्होंने माहौल क्रिएट किया हुआ है, इनका इनको जवाब देना होगा, इनको बताना पड़ेगा कि झूठा एनओसी क्यों दे रहे हैं, इनको पता लगेगा कि बीआरटी के ऊपर आपने स्टे क्यों लिया हुआ है, इनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों जो है मालूम जब्बा की करप्शन के ऊपर गिरफ्तारियां नहीं हो रही। चले उनसे भी ले लेंगे, उनको बिल्कुल उनके जवाब देना पड़ेगा उनको, और वो उनको बिल्कुल बीआरटी पे भी जवाब देना चाहिए, उनको वैसे और भी जो चीजें हैं फॉरेन फंडिंग के जो मसले हैं उसको भी जवाब देना चाहिए पीटीआई को। ये जो ये तरफा कार्रवाइयां हैं ये सिर्फ सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल है, इसके अलावा जो है ये कुछ नहीं है। ये इमरान खान अहमद न्याजी साहब और उनकी काबीना सुबह से लेकर शाम तक हुकूमती वसाइल, हुकूमती मनसब और रिसोर्सेज इस्तेमाल करके मिलाए। चले मैं एक सहर बीबी, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास, मैं एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ, छोटी सी ब्रेक लेके सहर बीबी आपके पास भी आता हूँ, अली साहब के पास भी जाना चाहूंगा, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ।